हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे फुल स्वेटर में बना सकते हैं और फुल जर्सी में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, और कार्डिगन में इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये दोनों साइड से एक जैसा बनता है, इसमें उल्टा और सीधा कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। ये देखिए कितना सुंदर बना है, और ये मैंने पाँच पाँच का मल्टीप्लाई किया है। आप इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया है। ये जो ऊन आपको, ये बारीक ऊन है, इसलिए मैंने मोटी सिलाई लगाई है। जितनी मोटी सिलाई लगाएंगे आप, उतना ही सुंदर बनेगा। ये देखिए मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से बनाया है, और ये बहुत ही सुंदर बन रहा है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये इसको कैसे बनाना है। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड की फर्स्ट रो इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कैसे बनी है। पहली रो इस प्रकार से बनाइए, उल्टा उल्टा। आप बीच में जितना गैप देना चाहें, एक सिलाई का, दो सिलाई का डाल सकते हैं। इस प्रकार से बनाना है। ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। ये देखिए उल्टा उल्टा बनाया है। अब आगे हमारी सेकंड रो। सेकंड रो में हमें क्या करना है, ये आप देखिए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिलाई में पांच फंदे सीधे बनाए थे। अभी इन पांच फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, और अब ये चार फंदे हम देखिए कैसे बनाने हैं। इस प्रकार से ऐसे लपेट कर, एक दो, ये तीन, और ये चार। और एक फंदा हमने यहाँ पर स्लिप किया था, इस समेत हमारे पांच फंदे हो गए। पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे बगैर लपेटे हुए, दो तीन चार और ये पांच। ये पांच फंदे बगैर लपेटे हुए बनाए। अब देखिए आगे, पांच फंदे हम फिर दोबारा लपेट कर बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। ये पांच फंदे हमने लपेट कर बनाए, फिर पांच फंदे हम बिना लपेटे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच। फिर पांच फंदे इसी प्रकार से लपेट कर बनाएंगे, दो तीन चार ये पाँच। अब पांच फंदे हम बगैर लपेटे बनाएंगे। ये पांच फंदे हमने बगैर लपेटे बनाए, फिर पांच फंदे ऐसे ही। ये सब हमने लपेट कर जो फंदे बनाए हैं, ये उल्टी साइड से बनाए हैं। ये हो गए हमारे पांच फंदे कंप्लीट। अब ये आ गए हमारे सीधी साइड। ये देखें सीधी साइड में हमने क्या करना है, ये एक फंदा हमने बना लिया। अब जो ये फंदे हमने लपेट कर बनाए हैं, इनको खोल लेंगे ऐसे, दो तीन और ये चार, और इनको वापस सिलाई में डाल लेंगे। अब इनको एक एक करके बनाएंगे ऐसे, एक वन टू, ये थ्री और ये फोर, और फाइव वाला ये स्लिप किया हुआ। अब ये फाइव फंदे हमारे सीधे बनेंगे यहाँ पर। ये हमारी सीधी साइड है, और अब फिर ये देखिए, आप चाहें तो इस प्रकार एक एक फंदा खोलकर भी बना सकते हैं ऐसे। एक फंदा खोला,
और इसको बुन लिया, को बुन लिया ऐसे, इनको खोला और इस प्रकार से बुन लिया। ये हमारे पांचों फंदे बनाए गए। अब फिर इसी प्रकार से ये 2, 3, 4, 5 ये 5 फंदे सीधे बनाए। अब फिर 5 फंदे हम खोल कर बनाएंगे ऐसे। अगर आप मोटी ऊन से बनाएंगे, हल्की ठंड के लिए बहुत सुंदर स्वेटर बनेगा, और मोटी ही सिलाई लगाएं जिससे डिजाइन और भी खुलकर दिखाई देगा। इस प्रकार से बनाएं, ये देखिए ऐसे खोल लें इनको और फिर बुन लें। इस डिजाइन का स्वेटर उभर कर बहुत जल्दी आता है, ये देखिए कितना उभर कर आया है। दो ही सिलाइयों में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए ये आ गई हमारी उल्टी साइड। ये वाली उल्टी साइड की सिलाई हमारी उल्टा ही बनेगी इस प्रकार से। दो सिलाई बीच में जो बनानी है हमें गैप के लिए, वे हमारी उल्टा उल्टा बनेंगी। इस प्रकार से दो सिलाई बनाएंगे हम। ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है, इसलिए हम दो सिलाई, एक उल्टी साइड की और एक सीधी साइड की, उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये मैंने उल्टी और सीधी दो सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी सिलाई में इसे क्या करना है आपने, ये देखिए जो फंदे हमने यहाँ पर बनाए थे लपेट कर, उन फंदों को अब बिना लपेटे हुए बनाना है। अब यहाँ पर 5 फंदे हम बिना लपेटे हुए बनाएंगे, 2, 3, 4 और ये 5। जो फंदे लपेट कर बनाए थे उनके ऊपर बिना लपेटे बनाना है, और जो फंदे हमने बिना लपेटे बनाए थे उनके ऊपर लपेट कर बनाना है ऐसे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से हमने अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब 5 फंदे फिर ऐसे ही 2, 3, ये 5। ये थे देखो, नीचे लपेटा हुआ है तो इसके ऊपर बिना लपेटा आएगा। इसी प्रकार से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देखिए इसको हमने जैसे पहली सिलाई बनाई थी आगे उसी प्रकार से बनाना है। और ये 5-5 फंदे का डिजाइन है, 5 लपेट कर बनाइए, 5 बगैर लपेटे बनाइए और इसी तरह से बनाइए।